दो राज्यों के चुनावी नतीजों की घड़ी आ चुकी है। टीवी 9 भारतवर्ष हमेशा की तरह पल पल का अपडेट आपके सामने रखेगा और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खबर आ जाएंगे गुजरात और हिमाचल के नतीजे। 8 बजे का वक्त जब शुरू होगी काउंटिंग, दोनों राज्यों की काउंटिंग को लेकर एक एक अपडेट आपके सामने होगा, जहां टीवी 9 पर आप सबसे पहले रुझान जान सकेंगे। बिल्कुल, और अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं। बीजेपी का दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा, बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता बदलने की इस बार उम्मीद है, क्या रिवाज बदलेगा ये बड़ा सवाल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को अच्छे प्रदर्शन का भरोसा है। टीवी 9 भारत वर्ष पर आपको दिखेगी सभी पार्टी के दिग्गजों की सबसे पहली प्रतिक्रिया। एक एक खबर, एक एक अपडेट होगी आपके सामने, और थोड़ी देर में पहला रुझान सबसे पहले आप देखेंगे टीवी 9 पर। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। तो एग्जिट पोल के मुताबिक समीर यह साफ हो चुका है कि अब बीजेपी गदगद है। हिमाचल पर एग्जिट पोल में भी हालांकि बटी हुई राय सामने आई है, लेकिन गुजरात एक तरफा तो वहीं हिमाचल में कांटे की टक्कर। सर्वे के अनुसार दिलचस्प है यह मुकाबला, जहां टीवी 9 पर नतीजों का सबसे सटीक विश्लेषण भी होगा। समीर, बिल्कुल, और देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में हमने आज कवरेज के व्यापक इंतजाम किए हैं, अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। टीवी 9 पर रुझानों के सबसे सटीक संकेत आपके सामने होंगे, और विश्लेषण के लिए हमने बेहद खास इंतजाम किया है। टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम मौजूद होगी। हर काउंटिंग बूथ पर टीवी 9 का रिपोर्टर मौजूद है, जो सबसे पहले ट्रेंड से आपको कराएगा वाकिफ। तो देखिए, सुबह के 6 बज चुके हैं और अगले 2 घंटे गुजरात और हिमाचल की सियासत से जुड़े राजनेताओं के दिल की धड़कनें बहुत तेज रहने वाली हैं। खास तौर पर गुजरात में जो मुकाबला हुआ है जबरदस्त चुनाव प्रचार के दौरान, हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उतार दिए गए गुजरात में चुनावी समर में। इसका अंजाम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान, एक वैज्ञानिक भी मौजूद हैं, जो आपको रूबरू कराएंगे बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से। गौरव अग्रवाल हमारे सहयोगी उनके साथ मौजूद हैं। गौरव, इंट्रोड्यूस कराएं जरा। बिल्कुल, बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। महा कवरेज टीवी 9 लेकर आया है, और मेरे साथ जो इंसान है आप उसको साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं इसको जादूगर कहता हूं। हमारे साथ पार्थ हैं, पार्थ बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। फिल्म आनंद आपने देखी होगी, बाबू मुशाय वाला डायलॉग कोई नहीं भूल सकता। मैं इनको डेटा मुशाय कहता हूं। सबसे पहले हैंडशेक करते हैं पार्थ। आज जो पार्थ टीवी 9 पर करने वाले हैं वो कहीं नहीं होने वाला है। आज टीवी 9 इतिहास रचने जा रहा है। आज एक ऐसी कवरेज डेटा मुशाय के साथ हम लेकर आए हैं जो आपको रुझानों के समय ही नतीजों में पूरी पिक्चर दिखा देगा। और इससे ज्यादा कि मैं ज्यादा बोलूं, डेटा मुशाय से पूछते हैं। डेटा मुशाय, हम आपको डेटा मुशाय कह रहे हैं, मैसेज लाउड एंड क्लियर है, बताइए क्यों है आप डेटा मुशाय? देखिए, रिजल्ट तो आएंगे, अभी रिजल्ट में क्या हुआ, किसी पार्टी को 48-50% वोट मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब कौन वोट कर रहा है, कौन वोट नहीं कर रहा है, और ये वोटिंग पैटर्न ठीक है एरिया वाइज हो रहा है। डेटा मुशाय बताएंगे क्या हमारे व्यूअर्स को? देखिए, एक बहुत बड़ा आज सेटअप, साइंटिफिक सेटअप यहां टीवी 9 भारतवर्ष ने लगाया हुआ है, और आइए डेटा मुशाय को जानते हैं। शुरुआती रुझान से रिजल्ट की भविष्यवाणी ये डेटा मुशाय करेंगे, शुरुआती रुझान से ही। डेटा मुशाय बताइए, 9 राज्यों में ग्राउंड से आपने नब्ज टटोली है, क्या है ये? इसके अलावा रियल टाइम एनालिसिस कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे ये बताइए, कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म कैसे होगा ये आप बताइए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आज आप कैसे हमारे व्यूअर्स के सामने सबसे पहले रिजल्ट रखने जा रहे हैं, और गांव गांव की सियासी नब्ज आपने, गली गली की जो सियासी नब्ज टटोली है, ये जो 6 टैब है, ये छड़ी जो आपके हाथ में है, हाँ। ये बड़े कमाल की है, आज ये छड़ी बहुत कमाल करने वाली है, बताइए जरा ये 6 टैब क्या आज डेटा मुशाय कैसे बताने वाले हैं, डेटा मुशाय को कैसे जाने हमारे व्यूअर्स? देखिए, हम लोग प्रोग्राम करके सबसे पहले यहां से आते हैं, शुरुआती रुझान से रिजल्ट की भविष्यवाणी कैसे करेंगे आप? देखिए, शुरुआती जब इलेक्शन कमीशन जब डेटा देना चालू कर देंगे तो हमको वोट परसेंटेज एक मिल जाता है,
तो वोट परसेंटेज समझ रहे 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जब रैंडम सैंपल आ जाता है तब क्या होगा, उससे आपको वोट परसेंटेज से फाइनल सीट शेयर का एक जल्दी आपको सटीक आप कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, रियल टाइम एनालिसिस। देखिए रियल टाइम एनालिसिस क्या है, कैसे आप रियल टाइम एनालिसिस होता क्या है, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए। हाँ, देखिए जब इलेक्शन कमीशन एक रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा कम्युनिटी रहता है, कौन सा रीजन में रहता है, तो आप क्या कॉमन फैक्टर है, कौन सा कम्युनिटी वोट कर रहा है, कौन सा कम्युनिटी बता देंगे उसका बहुत तरीके से आप एनालिसिस कर सकता है, डेमोग्राफी वाइज, लोकेशन वाइज, फर्स्ट फेज में हुआ, सेकंड फेज में हुआ, पिछले बार कौन जीता, कितना वोट स्विंग हुआ, तो सारे कैलकुलेशन आपको आपको मिली सेकंड में हो जाएगा। गांव-गांव की सियासी नब्ज आपने टटोली है। हाँ, देखिए गांव-गांव घूमा है तो एक बात है, गांव घूमकर आपको एक आइडिया होता है, बट टेक्नोलॉजी जब उसको ऐड करता है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। 9 राज्यों में आपने ग्राउंड से नब्ज टटोली है। हाँ, यानी गुजरात और हिमाचल के अलावा भी बहुत सारे हिमाचल राज्य घूमे हैं आपने। हाँ, मैं बंगाल घुमा हूँ, यूपी घुमा हूँ, उत्तराखंड घुमा हूँ, कर्नाटक घुमा हूँ। प्रेडिक्शन आपका सही रहा। देखिए प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप एनालिसिस कितना जल्दी कर रहे हो, क्यों ये रिजल्ट आ रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ हम कर रहे हैं एनालिसिस, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, सबसे तेज, मतलब सारे सिस्टम, मतलब सुपर कंप्यूटर जैसे। बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज टीवी 9 भारतवर्ष ने डेटा मुशाई को दिया है। आज डेटा मुशाई सबसे पहले रुझानों में ही आपके सामने पूरी क्लियर पिक्चर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पिक्चर रख देंगे। ये इन्होंने चैलेंज दिया है और इनका चैलेंज हमने कबूल किया है। आज देखते हैं ये क्या करने वाले। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।